हेलो, नमस्ते। सखी क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं साधना सिंह आपकी सेवा में हाजिर हूँ, एक प्यारा सा डिज़ाइन लेके जो कि दो कलर में बना हुआ है। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, टोपी में और जैकेट या लेडीज स्वेटर भी इसको बना सकती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दो कलर में बना हुआ है डिज़ाइन, आप किसी भी कलर से इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकती हैं। ये डिज़ाइन को देखने के लिए और बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए ताकि हमारा अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ये डिज़ाइन कैसे बनेगा मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है। बन जाने पे स्वेटर टोपी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लगेगा। आप इस डिज़ाइन को बनाइए, मैं आपको बनाने बता रही हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बना है। मैंने पहले ही इस पे 15-16 फंदे डाल रखे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। मैंने ये बॉर्डर बना दिया है। अब मैं इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनता है बनाना बता रही हूँ। इसमें हमें दूसरा कलर लगाना है। एक मैं लगा ली हूँ और ये दो और ये तीन, हमने तीन फंदे बना लिए हैं। एक फंदे को हमें उतार लेना है, फिर एक और ये दो और ये तीन, फिर हमें एक फंदे को उतार लेना है, एक और ये दो और ये तीन, फिर हमें एक फंदे को उतार लेना है, फिर एक दो और ये तीन। इसको भी हम बुन लेंगे क्योंकि आगे इसके फंदा नहीं है। अब इसको हमें पहले वाले फंदे को उतार लेंगे, उनको आगे करेंगे और तीनों फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा इसको बुन लेंगे। फिर उन आगे करेंगे, उतरा हुआ फंदा हम उठा लेंगे, फिर उन आगे करेंगे और तीनों फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। फिर उनको उतार लेंगे, फंदे को जो उठा हुआ है गिरा उठाए हैं हम, फिर उन आगे करेंगे और तीनों फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। फिर उन आगे करेंगे, उठा हुआ फंदा हम फिर उठा लेंगे उसको और उन आगे करके फिर इन फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन देंगे। ये हमारा उल्टा और एक फंदा उठा हुआ है और तीन फंदा हमारा बिना हुआ है आगे की तरफ से उल्टा। अब हमें पीले व कलर से सभी फंदों को, एक यहाँ पे नहीं है इसलिए हमें एक और ये एक बीच का, दो और ये एक तीन हो गया हमारा। इसका बीच का फंदा हमें तीन का जो है एक उठा लेंगे, फिर एक और ये दो और ये तीन सीधा बुन लिए। फिर हम बीच का फंदा उठा लेंगे, एक और ये दो और ये तीन, बीच का फंदा हमें फिर उठा लेना है, फिर एक और ये दो। हमारा ये डिज़ाइन दो लाइन में बन के तैयार हो रहा है। फिर हमें उठा लेना है आगे की तरफ से उल्टा बुन देना है। फिर हमें उठा हुआ फंदे को उठा लेना है उन आगे करके, फिर आगे की तरफ से तीनों फंदों को हमें उल्टा आगे की तरह से बुन लेंगे। उन आगे करेंगे, उठा हुआ फंदा है जो उठा लेंगे, फिर उन आगे करेंगे और आगे की तरफ से सीधी उल्टा इसको बुन लेंगे। हमारा ये डिज़ाइन दो दो लाइन में बन के तैयार हो रहा है। ये तीन तीन के पैटर्न पे, डिज़ाइन पे, ये तीन फंदों पे ये डिज़ाइन हमारा बन रहा है जो कि इस तरीके से है। फिर मैं आपको
इसको बनाना बता रही हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। अब फिर हमें दूसरा कलर लगाना है, इसको बीन लेंगे हम, इस दो फंदे को हम काला कर लेंगे, उठा हुआ फंदा हम इसको उठा लेंगे, फिर एक और ये दो और तीन, फिर हमें ये जो उठा हुआ है हमारा ये लाइनिंग ऊपर तक से ये डिजाइन में हमारा बनता उठता हुआ चला जाएगा, तीन एक करके ये हमारा डिजाइन बना हुआ है। फिर हमें ये तीन फंदों को एक और ये उठा हुआ और किनारे का तीन हमारा हो गया, एक फंदा इसको हम सीधे उठा लेंगे और फिर एक और एक उठा हुआ और एक किनारे का फंदा इसको हम बुन लेंगे क्योंकि यहाँ कोई फंदा नहीं है। फिर हमें उल्टे की तरफ से इस फंदे को हम उठा लेंगे और तीनों फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे, फिर उन आगे करेंगे, उठा हुआ फंदा हम फिर उठा लेंगे, फिर उन आगे करके तीनों फंदों को हम इस तरीके से बुनते जाएंगे, फिर उन आगे करेंगे, उठा हुआ फंदा हम उठा लेंगे, फिर उन आगे करके तीनों फंदों को आगे की तरफ से ये हम बुन लेंगे, फिर हम उठा लेंगे उनको फंदे को और उनको ये आगे की तरफ से बुन लेंगे हम। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बनता जा रहा है, तीन एक करके ये हमारा डिजाइन बनते जाएगा। एक बार और बनाना मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनेगा। किनारे वाले हमें फंदे को दो लाइन में ये बन के हमारा डिजाइन तैयार हो रहा है, दो रंग लाइन पीला लगाया हमने और दो लाइन काला हो गया है। यहाँ पे कुछ उतारना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बचा हुआ नहीं है, तो इन हम सभी फंदों को हम क्या करेंगे, एक दो और ये तीन, फिर हमारे ये उठा हुआ है लाइन ये सीधा एंड तक ये लास्ट तक ये जाएगा, डिजाइन बनता हुआ जाएगा किनारी हमारा। एक इस फंदे को हम सारी उठा लेंगे, एक और ये दो और ये तीन, फिर उठा हुआ फंदा हम उठा लेंगे, फिर एक और ये दो और ये तीन, फिर हम उठा लेंगे फंदा, फिर ये हम दोनों को सीधा बुन लेंगे, फिर आगे की तरफ से हमें इस डिजाइन को उल्टा बुनना है, जो हमारा घर पहले से उठा हुआ है उसको उठा लेंगे, उन आगे करेंगे और फिर तीनों को हम आगे की तरफ से उल्टा इस तरीके से हम बुनते जाएंगे, फिर उन उठा लेंगे हम फंदे को सॉरी और तीनों फंदों को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे, फिर उनको हमने उठा लिया है फंदे को और उन आगे करेंगे और तीनों फंदों को इस तरीके से हम बुन देंगे। ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से इस डिजाइन को बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए ताकि हमारा अपडेट आपको आसानी से मिले, कमेंट भी दीजिए। थैंक यू।